मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस समय प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने प्रोग्राम अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त करें। प्रत्येक भाव, प्रत्येक राशि, प्रत्येक ग्रहों की युक्ति के बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान देता हूँ। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसका कुछ फीस आपको देना होगा, फीस देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। आज मैं एक अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, बुद्ध गुरु की युक्ति। जैसा कि आपको ज्ञान है कि बुद्ध और गुरु आपस में मित्र नहीं है। बुद्ध चरित्र का निर्माण करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, गुरु प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। मगर ये जब दोनों की युक्ति होती है तो किस भाव में क्या प्रभाव देता है, इसको सुनिए। जिसके लग्न में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, सोच गंदी होती है और अपने कार्य के द्वारा अपमानित होते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ये हमेशा आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, इच्छा अनुसार उन्नति नहीं कर पाते हैं, मेहनत का सही इनको रिटर्न नहीं मिलता। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता भाई बंधु के सुख से वंचित रहते हैं, विवादों में रहते हैं और ऐसे लोग शंकित विचार के होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग को अवसर बहुत अच्छा मिलता है मगर अवसर का लाभ नहीं ले पाते हैं, कमाए हुए धन को बर्बाद कर देते हैं, सर्विस में सस्पेंड हो जाते हैं, राजनीति में भी पिछड़ जाते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, इनकी शिक्षा उच्च स्थान पर जाके बर्बाद हो जाता है, रिजल्ट सही नहीं आता है, शिक्षा अधूरी रह जाती है, जिसके कारण इनका अधिकांश समय संघर्ष में व्यतीत होता है। जिसके कुंडली में छठवें भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग नास्तिक विचार के होते हैं, ऐसे लोग पूजन पाठ नियमित नहीं कर पाते हैं और दूसरों के कमजोरियों को देखते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन सही नहीं रहता है, ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन विवादों में रहता है, ऐसे लोग के हाथ से अक्षमातिक धन का व्यय हो जाता है, हमेशा कर्जे में रहते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में बुद्ध गुरु हो, ऐसे लोग हड्डी के रोग से परेशान रहते हैं, आँख के रोग से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग नशा का भी सेवन करते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग कई व्यापार बदलते हैं, कई नौकरी बदलते हैं, इस जीवन में स्थिरता नहीं आती है, जिसके कारण इनको आर्थिक परेशानियां रहती हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में बुद्ध और गुरु हो, ऐसे लोग करोड़ों रुपए के कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं, ऐसे लोग दूसरों के प्रति गलत भावना रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, जिसके कारण इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। जिसके कुंडली में लग्न से ग्रहवें भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश से वापस आ जाते हैं, ऐसे लोग सट्टा जुआ का सहारा लेते हैं, कम परिश्रम में अधिक कमाना चाहते हैं, दान दक्षिणा पर विश्वास इनको नहीं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में बुद्ध गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग के चौथे पन अच्छे नहीं जाते हैं, संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग कभी भी आर्थिक परेशानियों से वंचित नहीं रहते हैं, हमेशा विवादों में रहते हैं।
ये छोटा सा वीडियो इतना कहते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ। इससे संबंधित कोई सब प्रश्न हो तो करिएगा। नमस्कार।